एंड वेलकम गाइज, कैसे हो आप? से उम्मीद करते काफ़ी अच्छे होंगे। यूएसए वर्सेस कनाडा के बीच में खेले जाने वाले तीसरे T20 मैच के बारे में बात करेंगे और ये सीरीज़ का एक और बेहतरीन मुकाबला जो आप सभी के इन्वेस्टमेंट पर बिल से मैच काफ़ी अच्छा रहेगा। सेकंड मैच के अंदर भी हमने काफ़ी अच्छे प्रॉफिट कमाए, बहुत सारे लोगों ने स्मॉलिंग में क्लीन स्वीप किए तो काफ़ी लोगों ने मिनी जीएल में भी काफ़ी अच्छे रैंक लाए। हालांकि दोस्तों ये भी इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी अच्छा मैच रहेगा, तो वीडियोज़ को एंड तक देखिएगा ताकि जो भी इनकी पिच रिपोर्ट, बैटिंग ऑर्डर, रिसेंट फॉर्म रहेंगे और खास करके जो लोग भी ग्रैंड लीग्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट करें या फिर स्मॉल लीग में, उनके लिए भी वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही बेटिंग वगैरह में जितने लोग भी इन्वेस्टमेंट करें तो उनके बारे में भी जानेंगे कौन सी टीम इस मैच को जीतने वाली है। तो इस मैच से जुड़ी A to Z सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में ही मिलेगा, तो एंड तक देखिएगा। और गाइस सबसे पहले देखो, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी आने वाले वीडियोस वगैरह होंगे इसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिलेगा। वैसे भी गाइज आप सभी लोगों का प्यार और समर्थन मिलता रहता है तो बहुत ही अच्छा लगता है, तो वीडियोस को लाइक करके चैनल को हमारे ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बात करेंगे सबसे पहले इनके प्लेयर इन्फॉर्मेशन के बारे में, तो ये कनाडा टूर ऑफ USA के बीच में तीसरा T20 मैच है जो कि ये मुकाबला लेट नाइट 1:30 पर मैचेस शेड्यूल्ड है। और हमेशा की तरह का जो हमारा सजेशन रहता है कि जब भी आप इस स्मॉल लीग्स में लेट नाइट मैचेस इन्वेस्टमेंट किया करो तो पहले से कॉन्टेस्ट ज्वाइन करके रखना, इसमें ज़्यादा बेनिफिट होगा। जो कंपटीशन लेवल है वो आपको काफ़ी लो मिलेगा, जो कि प्रेयरी व्यू क्रिकेट कॉम्प्लेक्स के वेन्यू पर मैच दिखेगा और एवरेज स्कोर जो है 140-160 के आसपास में आपको ये स्कोर बनते हुए दिखेंगे और पिच एक तरह से बैलेंसड है। अब हमारे टेलीग्राम के साथ भी जुड़ जाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो भी हमारे ग्रैंड लीग स्मॉल लीग की फाइनल अपडेटेड टीम्स होंगी सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम पे ही प्रोवाइड कराते हैं, तो जुड़ जाना। टीम में फर्दर कुछ भी चेंजेस होते हैं तो सारे के सारे अपडेट्स आपको टेलीग्राम पे ही देंगे, तो जुड़ जाइएगा। बाकी अगर हम बात करेंगे USA की टीम जो रिसेंट अपने दो मैचेस खेले, दोनों ही मुकाबले अपनी ये जीत कर आ रही है, तो इनकी टीम की ओर से स्टेफन टेलर जो कि 50 मैचों में 1186 रन 28 कवरेज और 7 विकेट्स दिखेंगे और खेले गए मैचों में 54+1 विकेट्स रहा था, जिसमें इन्होंने पार्ट टाइम एक दो ओवर से ज़्यादा ये बॉलिंग दोनों ही मैचेस के अंदर कराया नहीं। जो भी फॉर्म में से बैटिंग दिखेगा और ये ओपन आ रहे तो ग्रैंड लीग्स वगैरह में कैप्टन करना, पर आप स्मॉल लीग्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो सिर्फ एज अ प्लेयर ही इनको आप लेकर जाओ। अगर आपकी इच्छा हो तो आप इन्हें कैप्टन भी कर सकते हैं स्मॉल लीग में। टॉप के जो तीन मेन बैटिंग एक तरह से यहाँ पर मोनक पटेल भी दिखेंगे, जिसमें राइट हैंडर बैट्समैन और प्लस पॉइंट्स में विकेट कीपिंग से कैचेस के पॉइंट्स देंगे। लास्ट मैच में 68 से पहले 50+ स्कोर था, औसत काफ़ी अच्छा रिसेंट के मैचों में भी देखने को मिले, तो यहाँ से इन दोनों ही प्लेयर्स को पिक करें। बाकी के दोस्तों एंड्रीज की भी बात करेंगे तो ये भी राइट हैंडर बैट्समैन, लास्ट मैच में 57 तो इससे पहले 50+ स्कोर, ये वो भी वन डाउन बैटिंग जो कि एक आउटस्टैंडिंग फॉर्म सीरीज के अंदर दो मैचेस सिडनी किंग्स में खेले, दोनों ही मैच में काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस रहा। तो टॉप के थ्री प्लेयर्स आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से इस मैच के लिए रहेंगे। बाकी के एरन जोन्स अगर फर्स्ट इनिंग में टीम बैटिंग कराती है तो रखेंगे, नहीं तो ड्रॉप कर सकते हैं। हालांकि 20 मैचेस 289 रन 26 के एवरेज और खेले गए लास्ट मैचों में 34 इससे पहले 3 रन का स्कोर दिखेगा, तो टॉस का वेट करना, उस बेसिस पे हम प्लेयर्स को अपडेट्स करेंगे। तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फाइनल टीम आपको वहीं पर ही देंगे आप। दोस्तों यहाँ पे जो निशाक पटेल की अगर हम बात करेंगे तो लास्ट के मैचेस एक ही खेले, 1 विकेट 2 ओवर्स के बॉलिंग रहा था, ना बैटिंग अच्छा ना बॉलिंग, खेलते भी हैं तो इस मैच में इग्नोर करेंगे। 17 मैचेस 25 विकेट्स बॉलिंग से इनकी ओवर्स कट रहे हैं। बाकी के दोस्तों यहाँ पे जो गजानंद सिंह की भी बात करेंगे तो लास्ट मैच में सिर्फ 1 रन ही था, तो अभी भी यहाँ पर आप इन्हें ड्रॉप करिए ही जाना। अब दोस्तों यहाँ पर हरमीत सिंह की बात करेंगे तो लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिन बॉलिंग आता है, 7 मैचों में सिर्फ 3 विकेट्स और खेले गए लास्ट मैच में 2 विकेट्स 3 ओवर्स बॉलिंग, इससे पहले ही ऑलरेडी फ्लॉप रहे थे। हालांकि जो मेन बॉलिंग है उस पर फोकस करना। देखो जो जसदीप दिखेंगे तो रिसेंट के दो मैचेस से एक एवरेज विकेट टेकर से 1 से 2 विकेट्स रहकर 7 मैचेस के अंदर 10 विकेट्स और राइट मीडियम ही बॉलिंग आते, तो एक तरह से ये भी बेस्ट चॉइस आपके लिए रहेंगे। बाकी दोस्तों जो यहाँ पे नॉस्तोस दिखेंगे ना, लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिन बॉलिंग 61 मैचेस 60 विकेट्स और खेले गए रिसेंट मैचों में 3 विकेट्स 1 विकेट्स पूरे 3 से 4 ओवर बॉलिंग आपको इस मैच में देखने को इनके मिलेंगे, तो यहाँ से अभी आप बॉलिंग एज अ टीम में पिक करके जाओ। बाकी सौरभ की बात करेंगे तो 20 मैचेस में 19 विकेट्स और खेले गए रिसेंट मैचों में 2-2 विकेट्स दिखेंगे, जिसमें लेफ्ट आर्म मीडियम बॉलिंग है, अच्छे टच में ही रहे। बाकी के दोस्तों सिडनी भी देखो टॉप ऑर्डर में बैटिंग के लिए कभी कभार मिडिल ऑर्डर में आते हैं, अब लास्ट मैच में 13+2 विकेट्स था, इससे पहले इनका 2 विकेट्स दिखेगा, 94 मैचों में 90 विकेट्स, राइट मीडियम बॉलिंग आते, मोस्ट ऑफ द टीम के ये मेन बॉलिंग है, तो यहाँ से इनको इस मैच में लेकर जाना। बेंच में से अगर कोई भी प्लेयर यहाँ से इनके खेलते हैं तो बाकी इन सभी प्लेयर्स के स्टैट्स वगैरह आपको हमारे टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड कराएंगे, तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाना, वीडियो को डिस्क्रिप्शन के लिंक से जुड़ोगे तो आप हमारे रियल टेलीग्राम पर जुड़ पाएंगे। बाकी की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे जो कनाडा की टीम है तो रिसेंट लास्ट 2 मैचेस अपने हार कर आ रही है,
एरन जोन्स ओपन बैटिंग लास्ट मैच में 74 थी, इससे पहले 16+ स्कोर, बैटिंग से आउटस्टैंडिंग फॉर्म, लास्ट मैच में इनको रखे भी थे और ग्रैंडिस वगैरह के कैप्टन वाइस कप्तान को ऑप्शंस भी दिए थे, तो टीम के ये मेन बैटिंग है लेकर जाना। बाकी के दोस्तों यहाँ पे श्रीमंता की बात करेंगे तो 0 और 9 रन का स्कोर था 21 मैचेस में, 358 रन जिसमें 22 का औसत दिखेगा, खेले गए मैचों में उतना भी खासा अच्छा इनका स्टार्ट्स है नहीं। प्रगत सिंह की बात करेंगे तो 21 मैचों में टोटल 23 के एवरेज और 419 रन है, रिसेंट मैचों में 27, इससे पहले 90+ स्कोर, जिसमें देखो तो बैटिंग से भी उतना खास अच्छा औसत इनका दिखेगा नहीं, तो अभी इनको इग्नोर करना। बाकी के नवनीत की बात करेंगे, 2 मैचों में डक पर आउट हुए, सिर्फ 6 रन ही था, रिस्क लेना होता आप हरेश ठाकुर के साथ जाओ, लास्ट मैचों में 34 विकेटलेस 2 ओवर्स की बॉलिंग, तो इससे पहले भी देखो तो 13+ स्कोर जहाँ पे विकेटलेस थे, 4 ओवर पूरी बॉलिंग दिखेंगे, तो इस मैचों में अच्छा स्टार्ट है, 268 रन, 24 के एवरेज, 19 विकेट, इसमें राइट हैंडर बैट्समैन और ये ऑफ ब्रेक और बॉलिंग के लिए आते हैं, तो बेस्ट वाइस ऑप्शन से बॉलिंग और बैटिंग दोनों कराएंगे तो इनके साथ ही जाना। निकोलस की बात करेंगे, 13 मैचों में 119 रन, 22 के एवरेज, रिसेंट के मैचों में 21+ विकेटलेस थे, इससे पहले 27 का स्कोर विकेटलेस है, 1-2 ओवर्स का ही बॉलिंग आता है, ना बैटिंग अच्छा ना बॉलिंग खेलते भी हैं, तो इस मैच में हम ड्रॉप करके ही जाएंगे। प्रवीण एक ही मैचेस के लिए विकेटलेस गए, 4 ओवर्स की बॉलिंग यहाँ पे इनका दिखेगा, शाद बिन जफर टीम के ये मेन बॉलिंग है, 42 मैचों में 40 विकेट्स और खेले गए, फर्स्ट मैच में 29 1 विकेट 3 ओवर्स के बॉलिंग और सेकेंड मैच में भी देखोगे तो 1 विकेट पूरे 4 ओवर्स के बॉलिंग यहाँ पे भी अवेलेबल है, तो साथ भी इस मैच के काफ़ी अच्छे ऑप्शन से लेकर जाओ। वही अगर दोस्तों यहाँ पे डुलन की बात करेंगे तो 32 मैचों में 35 विकेट्स और खेले गए, फर्स्ट मैच 2 विकेट्स और सेकेंड मैच में विकेटलेस थे, 4 से 3 ओवर इनकी बॉलिंग दिखेंगे, ठीक ठाक बॉलिंग ऑप्शन से आप इनको स्मॉली में ले सकते हो। बाकी के जो ऋषभ जोशी की बात करेंगे तो 4 मैच में 3 विकेट्स और खेले गए, फर्स्ट मैच विकेटलेस, सेकेंड मैच में 1 विकेट्स, उदय का जो स्टार्ट से 2 मैच लगातार खेले, दोनों ही मैच के अंदर फ्लॉप रहे, तो अभी इनको ज़्यादा जीएल वगैरह में ही रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जोशी इस मैच के लिए रहेंगे, लेफ्ट मीडियम फास्ट बॉलिंग के लिए आते हैं, अच्छे विकेट टेकर्स हैं, बेंच में से अगर कोई भी प्लेयर यहाँ से इनके खेलते हैं तो बाकी के दोस्तों इन सभी प्लेयर्स के स्टैट्स वगैरह आपको हमारे टेलीग्राम पे ही प्रोवाइड करा देंगे, तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, टेलीग्राम के साथ नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाना। बाकी के दोस्तों बात करेंगे अपनी टीम कॉम्बिनेशन के बारे में, अब देखो गाइस विकेट कीपिंग ऑप्शंस अगर हम बात करेंगे तो यूवीसी किंग्स इसमें टीम की रेट, खास बात यह है कि देखो प्लेटफॉर्म का बहुत इफेक्ट बढ़ रहा है, तो आप विजन 11 नहीं डाउनलोड किए तो डाउनलोड कर लो, इनवाइट कोड एफसी के साथ 500 रुपये एक्स्ट्रा मिल जाएगा, और जितना इन्वेस्टमेंट करना यहां पे करो, कंपटीशन के साथ साथ आपको सारे चीज़ें ही और एंट्री फीस भी लेस मिलेगा, बाकी का जो प्रॉफिट वगैरह है ना वो स्मॉलिस्ट के लिए आपको विजन 11 काफ़ी बेहतरीन प्रीव्यूज देख पा रहे होंगे, सेम टीम्स के साथ हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, हमारी फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पे देंगे, तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, टेलीग्राम को ज्वाइन करना, टेलर को इसे कैप्टन कर रही इस मैच में, बाकी की हो सके तो वही कप्तान इसे बॉलिंग से सौरभ के साथ जाओ, नहीं तो आप दलोन में से किसी एक प्लेयर्स के साथ भी डिफॉल्ट रिस्क ले सकते हैं, पर ज़्यादा सेफ जो रहेंगे ना इस मैच में हम सिंधली के साथ जो वाइस कप्तान करें, जो भी हमारी फाइनल अपडेटेड टीम्स होंगी अपडेट्स वगैरह टेलीग्राम पे देंगे, बाकी विजन 11 नहीं डाउनलोड किए अभी जाके करो, इनवाइट कोड में एफसी यूज़ करना और इस सेम टीम्स के साथ अब इस प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्टमेंट करो, प्रॉफिट ना मिले तो बताना, विजन 11 एक वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म आपको प्रॉफिट के लिए रहेगा, जल्दी से जाओ डाउनलोड करना, इनवाइट कोड हमारा यूज़ करना ताकि आपको बोनस मिले। बाकी के दोस्तों मिलते हैं मैच टाइम।